कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई बड़ागांव तिराहे पर पेंटिंग। आपको बता दें कि मोहली कस्बे के बड़ागांव चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्रीनाथ वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रसिद्ध चित्रकार जसपाल सिंह तथा अमित कुमार ने कोरोना महामारी के विरुद्ध जागरूकता अभियान के अंतर्गत सड़क पर पेंटिंग बनाई है। निश्चय ही यह पेंटिंग बेहद खूबसूरत है। इस परिपेक्ष में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री आशुतोष मिश्रा का कहना है कि पेंटिंग बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम सभी लोग कोरोना वायरस के प्रति जागरूक रहें तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तभी कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा जा सकता है। ये पेंटिंग कोरोना वायरस जो इस समय महामारी फैली हुई है, उसके लिए हमारी आम जनता को, हमारे व्यापारियों को जागरूक करने के लिए है कि हमारे कोरोना फाइटर्स जो हमारे लिए दिन रात इस महामारी में इतने खतरों से जूझ रहे हैं, हम उनके सहयोग के लिए अपने घर पर रहें, ज़रूरत पर ही घर से निकलें, यही इसका उद्देश्य है। ये जानकारी मिल रही है कि लगातार संपूर्ण लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, एक व्यापारी होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तीन महीने, मुझे लग रहा है कि डेढ़ महीना होने को आया है सरकार द्वारा लॉकडाउन किया जा रहा है। सरकार द्वारा लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा था कि आप जागरूक हो जाएं कि हमें आगे कैसे जीना है, हमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आगे बढ़ना है। सरकार इस पर आपको घर में बांध कर नहीं रख सकती, इसके लिए आपको स्वतः जागरूक होना होगा, आपको इस महामारी के खतरे को समझना होगा। क्या लगता है कि मोहली क्षेत्र की जनता चतुर्थ लॉकडाउन के बावजूद भी जागरूक नहीं? मोहली क्षेत्र की जनता जागरूक नहीं है ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, उनमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो अब भी इस महामारी को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि अब वो इस बात को समझें और अपने लिए न सही, अपने परिवार के लिए, अपने स्वजनों के लिए, इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। पेंटिंग का कार्य संपन्न होने के बाद भाजपाइयों के द्वारा कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष श्रीनाथ वाजपेयी ने कहा कि कोरोना वायरस से यदि बचना है तो सभी को जागरूक रहना होगा। हम सभी इस पेंटिंग के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि वह अपने घरों में ही सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का अवश्य पालन करें, तभी हम सभी लोग कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग को जीत सकेंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष तरुण शुक्ला, मंडल महामंत्री पीयूष मिश्रा, मंडल कोषाध्यक्ष विमलेंद्र गुप्ता, मनोज मिश्रा, माधव प्रधान, ब्रजेश त्रिवेदी, आलोक कुमार, राजीव शुक्ला, स्पर्श, अनुष्क शुक्ला, हरीश, रितेश वर्मा सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस जो ये कार्यकर्ता, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये पेंटिंग बनाई जा रही है, इससे जनता को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि घर में रहिए, सेफ रहिए, मास्क वगैरह का प्रयोग करिए, जो गाइडलाइंस हमारी सरकार स्वास्थ्य विभाग दे रही है उनका पालन करें, यही उद्देश्य है इस पेंटिंग का। आपको लगता है कि संपूर्ण लॉकडाउन का पालन मोहली तहसील क्षेत्र में हो रहा है? प्रयास बराबर प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और लोगों के द्वारा भी, जागरूक नागरिकों के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि इसका पालन हो, और काफ़ी हद तक हो रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा कई बार समय परिवर्तन किया गया है, यहाँ के व्यापारी इससे परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समय तो दिया गया क्योंकि किसी भी संपन्न राज्य के लिए व्यापारिक गतिविधियाँ होना बहुत ही आवश्यक है, तो उसके लिए कुछ समय निर्धारित किए गए हैं प्रशासन के द्वारा और उस समय का पालन कर रहे हैं व्यापारी लोग, अच्छी बात है, सब पालन कर रहे हैं।